सभी को नमस्कार। पिछले 2 सत्रों में हमने चर्चा करी थी कि कैसे इस साधना में, शमत विपश्यना में, जैसे हम बैठे रहते हैं और हमारी साधना और गहरी होती जाती है, जैसे हम ज्यादा समय बैठते हैं और 6 कदमों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे मन में धीरे धीरे स्थिरता बनने लगती है। और ये जो स्थिरता है, इसके 8 अलग अलग स्तर होते हैं या स्टेजेस होते हैं, जिनको हम ध्यान समापति कहते हैं। तो ये अलग अलग स्टेजेस से मन ज्यादा गहराई में जाते रहता है। और इसका फायदा क्या है, हम साधना जो कर रहे हैं, इसका हमारा जो उद्देश्य है कि मन के भटकने, ध्यान के भटकने की जो प्रक्रिया है, इससे हम परिचित हो पाए, हमारी स्मृति या माइंडफुलनेस, अर्थात कि ये याद रखना कि मन का भटकाव किस तरीके से हो रहा है, एक चीज से दूसरी चीज पर जब हमारा ध्यान जाता है। तो ये हम समझने की कोशिश करें। और इसका, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, ये जरूरी है क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं, भले मानसिक हो या शारीरिक हो या बोलकर हम कोई कर्म करते हैं, तो ये एक मन की एक प्रक्रिया के अंत में ये जो कार्य होता है, जो कर्म होता है, वो उत्पन्न होता है। तो जितना हम समझ सकें मन की प्रक्रिया को, हम उतनी ही कुशलता से कर्म और कार्य कर सकते हैं। और हमारा मन किसी चीज में, किसी सोच में, किसी विचार में बिल्कुल ही जुड़ जाए, भटक जाए, उसको निजी मानने लगे, निजी मानकर अपना बचाव करने लगे, अपने फायदे के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे दूसरों का नुकसान हो, दूसरों का हानि हो, ये हम बिना ऐसी चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी कुशलता बढ़ा रहे हैं। और पिछले 2 सत्रों में हमने बात करी थी जो पहले 6 ध्यान के स्तर हैं, थोड़ा संक्षेप में आज फिर मैं दोहरा दूंगा, और फिर आखिरी जो 2 स्तर हैं उनकी उनके ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो जैसे हम बैठते हैं, हम हमारे मन में अलग अलग विचार आते हैं, हमारी साधना के वस्तु से हमें दूर ले जाते हैं, मंगल मैत्री जो हम भेज रहे हैं अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को। और ये जो हमारा मन भटकता है, इसका बलबूता होता है तृष्णा या क्रेविंग। ये एक मैकेनिज्म आप कह सकते हैं आपके मन का, कि एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा मैकेनिज्म उत्पन्न होता है, तृष्णा उत्पन्न होती है, जो कहती है कि मुझे जो स्पर्श हुआ है, जो विचार आया है, या जो मेरे शारीरिक किसी स्पर्श का मुझे एहसास हुआ है, ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। और उसके आगे वो तृष्णा के बलबूते वो कहानियां बनाते हुए चलता है आगे, जिससे हम अपनी पुरानी आदतों में फंस जाते हैं, बार बार एक चीज पर सोचने का, या जब तक वो चीज जाती नहीं है, उसको सोचे बिना नहीं रह पाना, ये सारी हमारी जो पुरानी आदतें हैं ये आ जाती हैं। इस तृष्णा को जैसे हम 6 कदमों का इस्तेमाल करते हैं, पहले हम पहचानते हैं कि मन भटक गया है, फिर हम निर्णय लेते हैं कि उस विचार को जिस पर मन भटका है उसको वो रहने देंगे, उससे अपने ध्यान का पोषण देकर और आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर हम अपने मन में या शरीर में जो तनाव या खिंचाव पैदा हुआ है, जो कि तृष्णा का लक्षण है, उसको ढीला करते हैं, उसको उस तनाव को पहचानते हैं और उसको शांत करते हैं। चौथा स्टेप है, हम मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुराने वाली साधना है, मुस्कुराने से हमारा मन उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच जाता है। और जो सही व्यायाम में गौतम बुद्ध ने भी बताया है, हमें एक उत्कृष्ट मन में वापस लेकर आना चाहिए अपना ध्यान, इसमें मदद करता है ये मुस्कुराने वाला कदम। और ये और जो बचा हुआ थोड़ा तृष्णा है, हमारे रिलैक्स स्टेप या तनाव खिंचाव को शांत करने के बाद भी थोड़ा जो थोड़ी जो तृष्णा बची होती है उसको शांत करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद हम अपना ध्यान वापस अपनी मंगल मैत्री पर ले आते हैं, जो हम अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेज रहे हैं। हमें छठा कदम ये है कि जब जब हमारा मन भटकता है, तो हमें यही पहले के जो 5 कदम हैं ये लेकर
वापस अपने ध्यान को लाना है, और फिर जब हमारा ध्यान वापस आ जाता है मंगल मैत्री पर तो उसके बरकरार रखना है। तो ये 6 कदम है। ये 6 कदमों का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं तो हमारे मन में जो तृष्णा होती है वो कम होती जाती है। जैसे जैसे ये कम होती है हम अलग अलग ये ध्यान समापति के स्तरों से गुजरने लगते हैं। पहले पहली बार जब हमारे मन में तृष्णा बहुत कम हो जाती है तो हमें एक बहुत औत्साहिक खुशी संतुष्टि का एहसास होता है, और पहली बार हमारा मन बहुत आराम से टिका रहता है हमारे साधना की वस्तु पर। ये जो खुशी है ये थोड़ी अलौकिक होती है, यानी हम जैसे कुछ खाना खा लें पसंद का, या हमारी टीम क्रिकेट मैच जीत जाए, ऐसे कुछ घटना होती है और जो खुशी होती है उससे अलग होता है। ये एक बहुत आपको महसूस होगा कि ये बहुत ही अलग तरीके की खुशी है। इससे जब और आगे हम 6 कदमों का इस्तेमाल करते रहते हैं और तृष्णा को कम करते रहते हैं तो हमारा मन और गहराई में जाता है, दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है जो द्वितीय ध्यान समापति है। यहाँ हमारे मन में जो अंदरूनी एक बातचीत चलती रहती है, जो कि हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आपस अपने आप से ही बात करते हैं, तो ये जो वार्तालाप है ये बिल्कुल शांत हो जाता है और हमारे मन में पहली बार एक बहुत गहरी शांतता का एहसास होता है। साथ में खुशी और संतुष्टि भी उत्पन्न होती है, सुख और प्रीति जिसे कहते हैं पाली में, लेकिन ये उतनी औत्साहिक नहीं होती, ज़्यादा संतुष्टि की तरफ रहती है पहले ध्यान समापति के मुकाबले। आगे हम चलते रहते हैं, हम सही तरीके से 6 कदमों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारा मन भटक जाता है तो हम ध्यान समापति में नहीं रहते हैं, उससे बाहर निकल आते हैं और हमें फिर 6 कदमों का इस्तेमाल करके वापस हमारे मन को शांत करना। ऐसे और जैसे हम बैठे रहते हैं ध्यान में तो मन और गहराई की ओर बढ़ जाता है, तीसरी ध्यान समापति में पहुंच जाता है। तीसरी ध्यान समापति में हमारी जो शरीर के अंग हैं इनका एहसास बहुत सटल हो जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है। हाथ पैर ऐसे लगते हैं कि शायद हो ही ना, लेकिन उस पर कुछ स्पर्श होता है, कुछ हवा पड़ती है, पानी गिर जाता है, कुछ भी होता है तो वो जरूर हमें पता लगता है, या फिर हम अपना ध्यान उसके ओर केंद्रित करें तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारे हाथ पैर हैं, कहीं गए नहीं। मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ये चेक करते रहें बार बार, लेकिन इसका अर्थ ये है कि हम अपने जो शारीरिक हमारे जो एहसास हैं वो हमारे मन में कम मन को कम जकड़ते हैं, हमारे ध्यान को कम पकड़ते हैं और हम ज़्यादा एक मानसिक स्थिति में एक बिल्कुल हमारे मन के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसके साथ ज़्यादा हम जुड़ते जा रहे हैं। ये तीसरी ध्यान समापति का एक लक्षण है। इसमें साथ ही पहली बार हमारे मन में एक समता आने लगती है, एक इक्वानिमिटी आने लगती है, यानी कोई किसी चीज़ से परेशान होना, नहीं परेशान होना, ये हमारे उत्तेजित होना ये कम होने लगता है हमारे मन में। यहाँ से चौथे ध्यान समापति की ओर हम बढ़ जाते हैं, जहाँ इस समय तक हमारे जो शरीर का एहसास है वो बहुत ही कम हो जाता है और ऐसा लगता है जो कि मंगल मैत्री भी हम हृदय के केंद्र से भेज रहे थे या हृदय के केंद्र में रख रहे थे, वो ऐसा लगता है कि मन जहाँ है वहीं से निकलता है, यानी ऐसा लगता है कि हमारे सर से वो भेज रहे हैं हम उसको। ये एक लक्षण है उसका, और हमारी जो समता है, जो इक्वानिमिटी है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है इस ध्यान समापति में, और हमारे हम धीरे धीरे बिल्कुल एक मानसिक स्तर पर पहुंचने लगते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए पांचवा ध्यान समापति, या कई लोग इसको ये भी कहते हैं चौथे ध्यान समापति का एक हिस्सा बताते हैं, इसे आकाश आयतन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में बेस ऑफ इनफाइनाइट स्पेस बोलते हैं। इसका नाम ऐसा है क्योंकि हमारा मन जो है ऐसा लगता है कि हर दिशा में बिल्कुल असीमित रूप से विस्तार, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, उसका विस्तार होते जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे एक शारीरिक या एक जो फिजिकल सीमा नहीं रही हमारे मन की। साथ ही में जो हमारी मंगल मैत्री की का भाव जो होता है,
ये थोड़ा इसका इसमें थोड़ा अंतर आता है, थोड़ी इसकी अब बुनाई कह सकते हैं, टेक्सचर कह सकते हैं, इसमें थोड़ा फर्क हमें पता लगता है कि ये थोड़ा और नरम हो गया है। इस समय मंगल मैत्री जो है ये भाव बदल कर करुणा में बदल जाता है। ये जो हमारी साधना है, हमें एक एक करके सारे जो ब्रह्म विहार हैं, जो मंगल मैत्री या मेत्ता, करुणा अर्थात कंपैशन, मुदिता अर्थात जॉय, और समता या उपेक्षा अर्थात इक्वानिमिटी के एक एक करके हमें ले चलता है। ये हमें सातवें ध्यान तक ले चलते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ हमारा मन, हमारे मन का जो भाव हम भेज रहे हैं, वो करुणा में परिवर्तित हो जाता है, और हमारे मन में बहुत एक असीमित होने की का एहसास होता है। साथ में ही क्योंकि हमारे मन में तृष्णा काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये असीमित होने का तजुर्बा होता है, हमें अनुभव होता है, और हम धीरे धीरे जो मन की हलचल है, पहले ध्यानों में ऐसा होता है कि हमारा मन भटक जाए, उसके बाद हम समझना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मन बिल्कुल तुरंत एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर नहीं जाता है। इसके भटकने की एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे कैसे हम जो आने वाले विचार या स्पर्श से हम जुड़ते हैं, उसको निजी बनाते हैं, अपने पसंद या नापसंद के हिसाब से उसके साथ कहानियां जोड़ते हैं, अपने जीवन में उसको महत्व देते हैं, और धीरे धीरे अपनी जो पुरानी आदतें हैं उस तरीके के स्पर्श या उस तरीके के प्रसंग के साथ पेश आने की, तो वैसे हम मानसिक या शारीरिक या बोलने वाला काम करते हैं। ये हमें इस प्रक्रिया के बिल्कुल खत्म हो के बहुत देर तक हम अपनी आदतों में फंसे रहें, उसके भी हमें पहले इसका अनुभव होने लगता है कि हमारा मन अपनी साधना के आलंबन से डगमगा रहा है। इसके बाद हमारा छठा स्तर आता है, जिसे ये बेस ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। इसका एक मिनट, मैं हिंदी नाम याद करता हूँ। हाँ, विज्ञान आयतन कहते हैं इसको। विज्ञान आयतन में छठे स्तर में हम पहुंचते हैं। यहाँ हमारा जो भाव है वो करुणा से बदलकर मुदिता या जॉय में बदल जाता है। एक दोबारा एक बहुत खुशी की लहर उठती है। इस स्तर में जब बेस ऑफ इंफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, विज्ञान आयतन है, इसमें हम जब भी हमारा स्पर्श हो रहा है, हमारा स्पर्श जो होता है वो तीन चीजों के वजह से होता है। हमारे शरीर का एक अंग, जैसे कि हमारा कान, नाक या आंख हो, हमारे एक सुनने सूंघने या देखने की एक क्षमता हो या विज्ञान हो, और तीसरी चीज जो होती है, जो बाहर की दुनिया से आने वाली चीज होती है, कोई ध्वनि या कोई प्रकाश या कोई महक। तो ये तीन चीजें जब साथ में मिलती हैं, तो वहीं से हमारा स्पर्श होता है और वहीं से हमारे मन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो विज्ञान आयतन या बेस ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में ये जो जब भी हमारा ये एक विज्ञान उत्पन्न होता है, एक स्पर्श से जुड़ा हुआ, और जो हमारी एक वेदना या फीलिंग उससे उत्पन्न होती है, उस समय हम वो चीज हम देखना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी आवाज जो है, एक छोटी सी ध्वनि है, वो ऐसे नहीं है कि बस एक ही वो घटना है, ऐसे हजारों करोड़ों घटनाएं एक साथ होती हैं जो एक छोटी सी ध्वनि से जुड़ी होती हैं, और उतनी बार हमारे कान पे, जैसे कान और हमारे सुनने की जो विज्ञान है, इस ध्वनि के हजारों करोड़ों जो टुकड़े हैं, हर बार एक इससे स्पर्श होता है और एक वेदना उत्पन्न होती है। तो विज्ञान आयतन में हम धीरे धीरे ये देखना, महसूस करना शुरू करते हैं कि कैसे हमारे बार बार अलग अलग तरीके के विज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं हमारे मन में। और इस स्तर में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी एक अंग पे, या तो आपके कान में या आपके आंखों के में जो रोशनी दिख रही है, इसमें ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें एक साथ होती जा रही है, एक फ्लिकरिंग या एक
आपको लग सकता है कि जैसे कोई आवाज है वो बहुत टूट टूट के टूट टूट के आ रही है, या प्रकाश जो है बिल्कुल उसके आप ऐसा लग रहा है कि आप बहुत छोटे छोटे अंगों में देख पा रहे हैं। तो अब हमारा मन जो है एक बिल्कुल एक बारीकी से मन की प्रक्रियाओं से ज्यादा उसके लिए सेंसिटिव हो रहा है कि वो समझ पा रहा है कि जो छोटी सी छोटी प्रक्रिया। पूरे शमत विपश्यना का की खासियत ही यही है कि हम मन को इतना स्थिर और इतना शांत और इतना गहरा ले जा पाते हैं कि जो मन की प्रक्रिया होती है उसकी बहुत बारीकी जो हिस्से होते हैं वो हम समझने लगते हैं, और इस समझने से जो हमारे इनसाइट होता है उस इनसाइट की एक क्वालिटी अलग होती है। तो यहाँ हम छठे स्तर पर पहुंचे थे, यहाँ तक हमारी चर्चा हुई थी पिछले सत्रों में। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा मन सातवें स्तर या शून्य आयतन, जिसे अंग्रेजी में बेस ऑफ नथिंगनेस कहते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हमारा मन और गहरा होते जाता है और हमारा जो भाव है, जो मुदिता था, एक जॉय वाला भाव था, यहाँ से समता में या उपेक्षा जिसे पाली में कहते हैं, अर्थात इक्वानिमिटी, मतलब बिल्कुल भी किसी चीज से एक बहुत उत्तेजना वाली प्रक्रिया नहीं होना, कि कोई भी चीज हो जाए हमारे सामने हम बहुत ही उसे एक स्थिरता से और एक समता से उसे पेश आते हैं। तो ये इस भाव में बदल जाता है, ये बहुत नरम बहुत सटल भाव होता है, और आप महसूस कर सकते हैं कि आपके मन में ऐसी स्थिरता है कि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा भावुक नहीं हो रहे हैं, उत्तेजित नहीं हो। ये बदलता है और साथ में ही हमारा मन धीरे धीरे, जो हमारे मन में बहुत सारी हम छोटे छोटे स्पर्श हम देखने लग रहे थे, वहां से हमारा मन बिल्कुल ही एक बिल्कुल शांत हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक जैसे आप बंद अंधेरे वाले कमरे में बैठे हैं, कुछ यहाँ पे हलचल नहीं होती। धीरे धीरे क्या होता है कि इस स्तर में जो हमारी हमारा भाव है, समता का भाव जो है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। ये इसलिए है कि हमारे मन में तृष्णा बहुत ज्यादा कम हो गई, तो एक जो भाव हम उत्पन्न करते हैं, भले ये जो ब्रह्म विहार है इनमें बहुत ही कम तृष्णा होती है, लेकिन फिर भी एक वो काम करना कि मैं कुछ सोच के मैं कुछ उत्पन्न कर रहा हूँ, उसमें भी एक हल्की सी तृष्णा जुड़ी हुई होती है। तो जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं तो हमारे मन में तृष्णा इतनी कम हो जाती है कि वो भी उत्पन्न करने में, जो एक समता है वो उत्पन्न करने में भी हमें लगता है कि हमारे मन की स्थिरता हिल रही। जब ऐसा होता है तो हम उसको छोड़ सकते हैं और जो हमारा मन बिल्कुल शांत मन जो है उसी को अपने साधना का आलंबन बनाएंगे। तो पहली बार अभी तक हम ये अलग अलग हम भाव भेज रहे थे, ये भाव खुद ही परिवर्तित हो रहे थे अलग अलग ब्रह्म विहार में, और अब ऐसा ऐसे स्तर पर हम आ गए हैं जब तृष्णा इतनी कम है कि केवल शांत मन ही काफी है हमारी साधना के लिए, हमें कुछ उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारे जो बिल्कुल शांत मन है इसमें हम जब भी कोई स्पर्श होता है तो उससे जुड़ी हुई जो तृष्णा उत्पन्न होती है तो बहुत हल्का सा हमारा मन डगमगाता हुआ हमें महसूस होगा, जैसे कि एक बड़े से तालाब में एक बूंद पानी कहीं गिर जाए और उससे पानी में थोड़ी हलचल जो होती है, बिल्कुल उस तरीके से एक छोटी सी छोटी जो चीज होगी वो बहुत, उसकी ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा हिला रहा है आपके मन के मन को, लेकिन जो बिल्कुल शुरुआत है तृष्णा की वो आपको समझने आने लगेगी कि हल्का सा कहीं तनाव बनने वाला है, ऐसा भी नहीं कि वो तनाव बन चुका है, और उसको वहीं आप शांत कर सकते हो बिना छह कदमों के इस्तेमाल करें। छह कदमों का इस्तेमाल हमने तभी करना है जब हमारा मन पूरा भटक जाए। ये पूरी साधना के लिए हमारा जरूरी है कि अगर हमारा मन साधना के वस्तु से जुड़ा हुआ है तो हमें छह कदमों की, और हमारे बैकग्राउंड में कहीं छोटी मोटी चीज आती है, किसी विचार कुछ विचार आता है या किसी बदन पे स्पर्श का एहसास होता है, तो हमें पूरे छह कदमों के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमारा ध्यान अगर वहां नहीं भटका है तो बिना ध्यान के पोषण के वो खुद ही वो विचार थम जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन सातवें स्तर यानी शून्यायतन में जब हैं तो हम केवल रिलैक्स्ड है, केवल मन को शांत करना, ढीला करना, ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब भी हल्की सी एक बिल्कुल एक तनाव का आरंभ हमें पता लगने लगे, तो ये हमारा शून्य आयतन है। इसमें हमने बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की तरह बैठना है, एक साइंटिस्ट की तरह बैठना है कि हमें देखना है इसमें क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ इस स्तर में हम बहुत ज्यादा बेचैन होंगे कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। क्योंकि पहली बार जब हमें शांत मन का एहसास होता है तो कई लोग वो समझ में नहीं आता क्या करना है। एक तो हमारा भाव जो है, भाव बिल्कुल नरम होके लगभग खत्म हो गया है। हमने अपने साधना का आलंबन भाव से बदल कर शांत मन को किया है, तो कई बार थोड़ी डाउट या कंफ्यूजन हो सकता है या बेचैनी हो सकती है। तो इसमें हमने बस अपना जो अभी तक अलग अलग स्तर में बढ़ते जाते हैं तो हमारा विश्वास बहुत बढ़ता है इस साधना में, तो वो उसी विश्वास के साथ हमने रहना है। यहाँ पे इसमें बेचैनी आएगी या ज्यादा संशय आएगा तो इसका जो स्थिरता है यहाँ पे हमारे शून्य आयतन की वो हिल जाएगी। तो ऐसे हम धीरे धीरे अपने और सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम गहरा हमारा मन गहरा होते जा रहा है और अलग अलग हम जो प्रक्रियाओं के बारीकी से हम देख पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं उसी समय उसके बारे में सोचना है कि अच्छा मैंने ये देखा इसका मतलब ये है। हम अंदर से ही कई चीजें सीखना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं पहली बार, तो हम ये नहीं सोचते कि अच्छा मुझे मैंने इस समय वजन थोड़ा इस तरफ किया, इस समय थोड़ा ब्रेक लगाया, इस समय थोड़ी तेजी करी। खुद हम अपने मन को सीखने देते हैं हर चीज को, मतलब हर चीज का विस्तार करना, विवरण करना ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे ही हम अपने मन को बस ये मन की प्रक्रियाएं देखने का मौका देंगे तो खुद ही हम सीखना शुरू करेंगे, हमारे मन में इंसाइट्स पैदा होने लगेंगे। इसके बाद आखिरी जो आठवां जो स्तर है वो उसे कहते हैं नैव संज्ञा न संज्ञायतन। इसको समझाना भी थोड़ा मुश्किल है, ये महसूस करके ही समझ में आता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में कहते हैं नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन। अर्थात हम हमें कुछ कुछ स्पर्शों का हल्का एहसास होता है, लेकिन ये क्या एहसास हुआ या नहीं हुआ ये भी हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा मन इतना स्थिर होता है। तो हमारा मन जो किसी स्पर्श को पकड़ के उसको समझने की कोशिश करता है तो वो भी नहीं होता है। और ऐसा आपको अनुभव होगा कि जैसे आप सो भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं। ये बिल्कुल आपके शुरुआत में हो तो इसका ज्यादातर अर्थ ये होता है कि आपने ज्यादा उत्साह नहीं है आपके ध्यान में, लेकिन इस स्तर में जब आप बाकी स्तरों से गुजर के जब पहुंचते हैं तो आपका मन इतना शांत होता है कि इसमें बहुत क्या आपके मन में हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ एहसास हुआ नहीं हुआ, ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा शायद मैं सो रहा हूँ लेकिन मेरी मन की एक जो अलर्टनेस है वो भी है, लेकिन मैं बहुत साफ तरीके से कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे हमें अलग अलग सातवें और आठवें ध्यान के स्तर में अलग अलग जो हमारे एनलाइटनमेंट फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में अगली बार मैं चर्चा करूँगा, इनको बैलेंस करना होता है। जैसे हम साइकिल पर हम बैलेंस करते हैं अलग अलग चीज़ों को, कि ब्रेक है हमारे पास, हैंडल बार है, पेडल है, और हमारा खुद का वजन हम किस तरफ रखते हैं, ये सब चीजें हैं हमारे पास, ये सबको लाकर एक संतुलन में लेकर आते हैं। तो इसी तरह सातवें और आठवें ध्यान में हमें सात फैक्टर्स हैं जिनको हमें संतुलन में लाना होता है ताकि हमारा मन बने रहे उस स्तर में। तो ये आठवां स्तर है जिसमें मन बिल्कुल ही बहुत सटल हो जाता है और मन की प्रक्रियाएं भी बहुत बहुत धीरे हो जाती हैं। आपके शरीर का तो बिल्कुल अनुभव होता नहीं है, शरीर पे होने वाले स्पर्शों का भी अनुभव नहीं होता, कोई भी स्पर्श पूरी तरह आगे की ओर बढ़ता नहीं है इस स्तर में। और इस स्तर में जैसे जैसे हम धीरे धीरे हम शांत रहते हैं, उसके साथ बने रहते हैं, हमारी अलर्टनेस भी बनी रहती है, एक क्यूरियोसिटी या सीखने की इच्छा भी बनी रहती है, एक उसमें एनर्जी भी रहती है हमारी, और साथ में ही हम इसको स्थिर भी रख पा रहे हैं। तो ये जो एनलाइटनमेंट फैक्टर्स बोलते हैं इसकी अगली बार मैं चर्चा करूँगा। जब ऐसा हम रखते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन ऐसे एक स्थिति पे पहुंच जाता है जहाँ
जो हम हमारे मन का जो अनुभव है वो भी कई स्पर्शों से हो रहा है। जो हमारे, जैसे मैंने पहले बोला था, हमारा मन भी एक कान या नाक की तरह, एक अंग की तरह है जिसपे सोचों का स्पर्श, अलग अलग जो सोच है इनका स्पर्श होता है, या हमारे बदन से अलग अलग जो सिग्नल्स आते हैं, नर्वस सिग्नल्स आते हैं, इनका स्पर्श होता है। तो ये भी बिल्कुल शांत और बहुत एक दूसरे से हटकर होने लगते हैं। और ऐसा समय आता है जब बिल्कुल कोई स्पर्श नहीं है, बिल्कुल हमारे मन में सारे जो अलग अलग स्पर्शों से उत्पन्न होकर हमारे जो मानसिक कर्म हो रहे हैं वो भी, उनके भी बीच में एक गैप हमें समझ में आने लगता है। उस गैप में हम पहुंच जाते हैं जब मन की बिल्कुल कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, और इसको ना समझने की का कोई तरीका है, क्योंकि हमने आज तक जो भी अनुभव लिया है उस चीज से इसको हम इसका विस्तार नहीं कर सकते हैं। अनकंडीशन्ड एक स्टेट पहुंचते हैं, इसको निरोध कहते हैं। और निरोध के बाद निकलते समय जब पहला एक स्पर्श होता है और उससे वेदना उत्पन्न होती है, उससे तृष्णा उत्पन्न होती है, उपादान होता है, भाव होता है, और उसका जन्म होता है उस कर्म का, तो हमारा मन इस चीज को, अगर हमारा मन बिल्कुल एक उसमें थोड़ा उत्साह है और स्मृति है देखने की, हमारी माइंडफुलनेस अगर जागी हुई है, तो उस समय हम देख पाते हैं बिल्कुल बारीकी में कि हमारे मन की प्रक्रिया आखिरकार हो कैसे है। और इसी को निर्वाण का अनुभव कहते हैं, कि ऐसा होता है कि जो हमारे मन में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं जिससे हमारे पूरे, हमारी जो दिन भर की सोच है, हमारे सारे कार्य कार्य जो हैं जिससे उत्पन्न हो रहे हैं, वो क्या प्रक्रिया है, इसको हम, हमारा मन अंदर से ही समझ लेता है कि अरे ये तो ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई जादूगर जादू कर रहा हो, और जब तक वो जादू करता है हमें समझ में नहीं आता, मान लेते कि उसने जादू कर लिया और उसका कुछ रिजल्ट आ गया, लेकिन जैसे हमने देख लिया कि जादूगर कर क्या रहा है तो उसमें कोई जादू नहीं रहा। तो हम बहुत ही एक, हमारे खुद के मन की प्रक्रिया, हमारे अस्तित्व और हमारे जो भाव हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, इन सारी चीजों के जो बेस पर, इनके नीचे जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं हम समझ लेते हैं, और इससे इसे निर्वाण का अनुभव कहते हैं। तो जो हमारे अलग अलग ध्यान से जब गुजरते हैं तो ऐसा कहते हैं कि पहले ध्यान के बाद ही आप कभी भी इस निर्वाण का अनुभव आपको हो सकता है, जब आप एक बिल्कुल आपके मन में निरोध हो जाए, यानी मन की प्रक्रियाओं का बिल्कुल ही एक थम जाए, एक अल्प विराम आ जाए उसमें, ये कभी भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है कि ये आपको धीरे धीरे, आप सारे ध्यान के सरों से बढ़ेंगे और आपके मन में जो स्थिरता होगी वो आपको आराम से वहां पर ले जा सकता है। अगली बार हम जो एनलाइटेनमेंट फैक्टर्स हैं और निर्वाण के आपके साथ जो पहले बार जो अनुभव होता है, तो उसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आधा घंटा हो गया हमारा पूरा, अब हम सब मिलकर अपना अभ्यास करेंगे। डॉक्टर साहब, डू यू वांट टू डू द प्रेयर क्विकली? दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, ओ सुखी सब प्राणी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देव नाग करे पुण्य का अनुमोदन, चीर काल रखे बुद्ध शासन। साध साध साध।